गूगल डूडल भारतीय फिल्म निर्माता वी शांताराम को श्रद्धांजलि देता है। वी शांताराम, जो कि भारतीय सिनेमा के अग्रणी के रूप में जाना जाता है, इस दिन 1901 में पैदा हुए। शनिवार को गूगल ने अनुभवी भारतीय फिल्म निर्माता वी शांताराम को अपने 116वें जन्मदिन पर एक डूडल के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सिनेमा के अग्रणी में से एक के रूप में व्यापक रूप से स्वागत किया गया। शांताराम एक सफल निर्देशक, अभिनेता और निर्माता थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में ध्वनि और रंग की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 18 नवंबर 1901 को जन्मे शांताराम ने थिएटर कलाकार के रूप में अपना रचनात्मक करियर शुरू किए। 18 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में शामिल होने के बाद उन्होंने 1929 में अभिनेता बनने से पहले कुछ सफल फिल्म गोपाल कृष्ण सहित कुछ फिल्मों का निर्देशन किए थे। 1930 के दशक की शुरुआत में ध्वनि के आगमन के साथ महाराष्ट्रीयन फिल्म निर्माता ने भारतीय सिनेमा अयोध्या का राजा मराठी या अयोध्या का राजा हिंदी के इतिहास में पहली द्विभाषी फिल्म बनाई, जो अयोध्या का राजा था। अपने करियर की शुरुआत में शांताराम मजबूत महिला पात्रों के साथ फिल्में चुनने के लिए जाने जाते थे। उनकी फिल्म कुनकू मराठी एक सफल उपन्यास पर आधारित थी। नए युवा लड़की की कहानी को बताया, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, शादी को पूरा करने के लिए उनकी मांगों को अस्वीकार कर उन्हें बहादुर सामाजिक उपहास कहा जाता है। उनकी अगली फिल्म मानूस मराठी एक पुलिस अधिकारी और एक वेश्या की प्रेम कहानी चित्रित किया। उनकी अन्य प्रसिद्ध फिल्मों में अमर भोपाल 1951, संगीत झनक झनक पाल बाजे 1955, दो आंखें बारह हाथ 1957 और रंगों की पहली मराठी फिल्म पिंजरा 1972 शामिल हैं। उन्होंने अपने माता पिता राजाराम और कमला भाई को श्रद्धांजलि के रूप में बॉम्बे में राजकमल कला मंदिर स्टूडियो की स्थापना की। उन्होंने 1958 में दो आंखें बारह हाथ 1957 के लिए बलिन फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सिल्वर बेरा साधारण पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ नॉर्डिक रिकॉर्डिंग के लिए ग्रांड प्रिक्स इंटरनेशनल डेला सिनेमेटोग्राफी पेरिस द्वारा सम्मानित किया गया। 1952 में अमर भोपाल के लिए कान फिल्म समारोह, उन्हें 1986 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।